मटके की कीमत से ज्यादा यहाँ पर इंसान की कीमत नहीं है। 40 रुपए का मटका महत्वपूर्ण है, लेकिन बच्चे की कीमत, बच्चे की जान की कीमत कुछ भी नहीं है। अरे अगर बच्चे ने मटका चोरी किया था तो तुम मटका फोड़ देते ना, तुम मटके को फेंक देते, दूसरा मटका मंगवा लेते, लेकिन तुमने बच्चे को ही मार डाला। ये इस देश का, भारत का जातिवाद है, जो देश के अंदर मटके को सुरक्षित रखना चाहता है लेकिन बच्चे की जान को सुरक्षित रखना नहीं चाहता है। नई टंकी लगाई है, नई टोटी लगाई है, कच्चा सीमेंट है, ठीक है, और नई टोटी कच्चा सीमेंट और पुरानी टंकी, मतलब इन्हीं 4-5 दिन के अंदर आपने टोटी नहीं लगा दी। और टोटी कितनी नीचे है, आपके घोटों से भी नीचे, जहाँ बच्चे झुककर पानी पीते हैं। आप आइडिया लगा सकते हैं कि टीचर वहाँ झुककर पानी पीते हैं, उम्र कितना गंदा है, कच्चा मिट्टी का टंकी है जहाँ ऊपर पानी कपड़े से ढकी हुई है। एमआईआर रिपोर्ट पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो पढ़ी है, उसमें किसी तरह की पहले की चोट की कोई पुष्टि नहीं है। वहाँ चोट की ये पुष्टि है कि बच्चे को अधिक मारा गया, कान के अंदर चोट लगी, नस फटी और इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, जिसके कारण नसें ब्लॉकेज हो गई, बच्चे की डेथ हुई। सरस्वती बाल विद्या मंदिर जितने भी भारत के अंदर है, ये माँ सरस्वती के नाम से खुले हुए हैं, और ये माँ सरस्वती केवल आरएसएस की माँ है, इस देश के दलितों के छूतों की माँ नहीं है ये, क्योंकि इसके मन में ममता केवल आरएसएस के लोगों के लिए रहती है, केवल चड्डीधारियों के लिए इसके मन में ममता है। इस देश के अंदर जो अछूत है, दलित है, कमजोर है, सताए हुए लोग है ना, उनकी माँ नहीं है ये। पुराण पर, इनके धर्म शास्त्रों पर, ठीक है, वहीं से ये सब इनको प्रेरणा मिलती है। मान लीजिए हम संविधान के फॉलोवर हैं, तो हमें क्या संविधान के दायरे में रहने की प्रेरणा मिलती है। और ये फॉलोवर हैं वेदों के, पुराणों के और धर्म के, और वो धर्म जहाँ 4 सीढ़ियों पर धर्म टिका हो, उसके वो 4 पैरों पर चलता है। पहला धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जब शूद्र के नीचे वाला जो समाज है, जिसको दलित अछूत कहा जाता है, उसको ये लोग जानवर से ही बदतर समझते, कीड़े मकोड़ों से भी ज्यादा बेकार समझते। मटके की कीमत से ज्यादा यहाँ पर इंसान की कीमत नहीं है। 40 रुपए का मटका महत्वपूर्ण है, लेकिन बच्चे की कीमत, बच्चे की जान की कीमत कुछ भी नहीं है। अरे अगर बच्चे ने मटका चोरी किया था तो तुम मटका फोड़ देते ना, तुम मटके को फेंक देते, दूसरा मटका मंगवा लेते, लेकिन तुमने बच्चे को ही मार डाला। ये इस देश का, भारत का जातिवाद है, जो देश के अंदर मटके को सुरक्षित रखना चाहता है लेकिन बच्चे की जान को सुरक्षित रखना नहीं चाहता है। तो इसका मतलब मैम कि वहाँ पर इस तरीके की जातिवाद होता ही रहे। आपने मटके की बात की कि मटका जो है फेंक दिया जाए, लेकिन जातिवाद तो वही रहेगा, कितने मटके फेंकेंगे, वो इसी तरीके से हत्या होती रहेगी। तो जातिवाद के खिलाफ ही तो ये मुहिम चल रही है। देश को अगर अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना, अगर एकता स्थापित करनी है, तो हमें जातिवाद खत्म करना पड़ेगा। दुनिया के किसी भी देश में जातिवाद के चलते हत्याएं नहीं होती हैं, किसी भी देश में जातिवाद के चलते शोषण नहीं होता, अत्याचार नहीं होता, लेकिन भारत में होता है। तो अगर भारत को वास्तव में आजाद देखना चाहते हैं, भारत का वास्तव में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो देश के अंदर से जाति और छुआछूत तो हम खत्म कर सकते हैं। और उसके लिए हम सभी, इसमें कहीं ना कहीं सभी देश के नागरिक जिम्मेदार हैं। अगर ऐसी घटनाओं का विरोध नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों को हिम्मत मिलती है, अगर हम ऐसी घटनाओं का विरोध करते हैं तो जरूर ऐसे लोग डरेंगे। मैम वहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि एक ही टंकी से वहाँ पर अध्यापक भी पानी पीते हैं और बच्चे भी, छात्र भी पानी पीते हैं। सोचिए एक ही टंकी से वहाँ पी रहे, तो फिर ये किस तरीके की घटना के लिए यहाँ पर लोग एकजुट हो रहे हैं। नई टंकी लगाई है, नई टोटी लगाई है, कच्चा सीमेंट है, ठीक है, और नई टोटी कच्चा सीमेंट और पुरानी टंकी, मतलब इन्हीं 4-5 दिन के अंदर आपने टोटी नहीं लगा दी। और टोटी कितनी नीचे है, आपके घोटों से भी नीचे, जहाँ बच्चे झुककर पानी पीते हैं। आप आइडिया लगा सकते हैं कि टीचर वहाँ झुककर पानी पीते होंगे, कितना गंदा है, कच्चा मिट्टी का टंकी है जहाँ ऊपर पानी कपड़े से ढकी हुई है, और ऊपर से वो कह रहे हैं कि वहाँ कोई मटका ही नहीं रखा गया था, जबकि मटके का स्टैंड है, मटका तो फेंक दिया लेकिन स्टैंड रह गया। अरे आप लोग सबूत अगर मिटा ही रहे थे तो पूरा मिटाते ना, क्यों आपको सबूत मिटाते हो? आप ये बोलिए कि मटकी का जब स्टैंड देखा जाएगा तो मटकी हटाने का जो घटना है वो भी सामने आएगी। तो ये सब झूठे लिपापोती की जा रही ताकि बच्चे को न्याय ना मिले। अपराधी को बचाने के लिए हमेशा अपराधी लोग एक्टिव हो जाते हैं, और अपराध के खिलाफ, अपराध को खत्म करने के लिए आप जैसे, हम जैसे बहुत सारे लोग सड़कों पर भी उतर आते हैं। वहाँ पर टंकी की तो बात ठीक है मैम, उसके बाद जो मटका जो है, क्या मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, राजस्थान में जितने भी स्कूल बने हुए हैं, क्या वहाँ जितने भी ऊंची जाति के लोग हैं, क्या अलग अलग मटके उनके रखे जाते हैं पानी पीने के? देखिए मैं अभी राजस्थान जाके सारे स्कूलों का जाके तो मैं सर्वे नहीं कर आई हूँ, ठीक है, मैं कल जा रही हूँ राजस्थान, और हो सकता है, जैसे अभी आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, मैं कुछ स्कूलों में जाकर भी देखूंगी। हो सकता है इस घटना के बाद, क्योंकि पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये घटना पहुंच गई है, तो वहाँ से मटके हटा दिए गए हों या ना हटाए गए हों, अभी हम लोग कल जाएंगे तो कुछ स्कूलों में जाकर देखेंगे। अगर ऐसा है तो ये देश के लिए बहुत ही बड़ा कलंक है। देखिए किसी भी हद से ये जातिवाद, और आज के समय पर छुआछूत, जब हम कुत्ते को पालते हैं, प्यार करते हैं, किस करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, उसको दुलारते हैं, लाड़ करते हैं, लेकिन एक इंसान को हम यहाँ पर छूने की वजह से मार देते हैं, तो ये कैसी मानसिकता है, कहाँ जा रहा है हमारा देश? क्या वास्तव में हम एक आजाद देश के अंदर रह रहे हैं?
जहाँ पर एक बच्चा मटके से पानी नहीं पी सकता। मैं तो ये कह रही हूँ, अगर मान लो गलती कर भी दी, अगर आपका प्रशासन ये कहता है कि टीचर के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग था, तो आप मटके को फोड़ देते, मटके को फेंक देते। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे ने क्यों पिया, आप उसको डांट देते, कुछ और तरह से पनिश कर देते, लेकिन आपने उसको इतना मारा कि उसकी कान की नस फट गई, वो बच्चा 25 दिन तड़पा है। और अगर आपने गलती नहीं की थी तो आपने 1.5 लाख रुपए समझौते के क्यों दिए? आपने इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए दे करके मामले को रफा दफा करने की कोशिश क्यों की? आप तो कहते मैंने गलती की नहीं है, तो तब आपको क्यों लगा कि ये मामला ज्यादा बढ़ जाएगा तो इसे खत्म कर देना चाहिए? अभी आपने कान की बात की, तो ये भी कहा जा रहा है कि बच्चा पहले से बीमार था और उसके कान में जो प्रॉब्लम थी वो बहुत सेंसिटिव थी, कि अगर थोड़ा सा भी कोई मार देता तो वो मर सकता था। तो बताया जा रहा है वो बीमारी के चलते ही जो है उसकी डेथ हुई है वहाँ पर। आपने बच्चे की MIR रिपोर्ट पढ़ी है? नहीं पढ़ी है तो पढ़िए। उसमें किसी तरह की पहले की चोट की कोई पुष्टि नहीं है। वहाँ चोट की ये पुष्टि है कि बच्चे को अधिक मारा गया, कान के अंदर चोट लगी, नस फटी और इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, जिसके कारण नसें ब्लॉकेज हो गई और बच्चे की डेथ हुई। तो वहाँ पर पहले से चोट का या पहले से किसी तरह की बीमारी का कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। तो ये झूठ बोला जा रहा है, दो तरह का झूठ हमेशा रहा है भारत में। तो ये बचाव का किया जा रहा है सारा खेल, बचाव? बिल्कुल, बचाव का खेल है सारा। जो स्कूल बताया जा रहा था, सरस्वती शिशु मंदिर RSS की शाखा का स्कूल है, ये वहाँ पर ऐसे कैसे खुल रखा है और वहाँ पर इस तरीके के छुआछूत भी हो रहा है लगातार? देखिए, सरस्वती बाल विद्या मंदिर जितने भी भारत के अंदर हैं, ये माँ सरस्वती के नाम से खुले हुए हैं और ये माँ सरस्वती केवल RSS की माँ है। इस देश के दलितों के अछूतों की माँ नहीं है ये, क्योंकि इसके मन में ममता केवल RSS के लोगों के लिए रहती है, केवल चड्डीधारियों के लिए इसके मन में ममता है। इस देश के अंदर जो अछूत हैं, दलित हैं, कमजोर हैं, सताए गए लोग हैं ना, उनकी माँ नहीं है ये। अगर उनकी माँ होती तो इसका दर्द भी उखड़ता और ये कहती कि इस बच्चे को मत मारो, लेकिन उसी के स्कूल में उसी के सामने एक बच्चे को मारा जा रहा है, लेकिन इसको कोई दर्द नहीं हुआ। और उसके बच्चे जो उसको मानने वाले लोग हैं, उसके भक्त, वो और बच्चे के विरोध कर रहे हैं, उसके पिता का विरोध कर रहे हैं और प्रशासन ने उसके पिता को भी बहुत मारा पीटा है, जबकि दर्द के समय उसका साथ देने की जरूरत थी, प्रशासन को खड़ा होने की जरूरत थी, लेकिन वहाँ पर इंद्र मेघवाल के पिता को मारा पीटा गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर लाल किले पर जब झंडा फहराते हैं तो महिलाओं की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं और मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाते हैं, लेकिन एक जगह पर इस तरीके की घटना होती है वो किसी की जिक्र नहीं होता है, ना मुंह पर आती है। तो ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मोदी जी आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, पहले तो हमें ये तय करना होगा कि बिल्किस मुस्लिम थी या महिला थी। अगर आप ये करके न्याय करेंगे कि वो मुस्लिम थी, सिख थी, ईसाई थी, क्रिश्चियन थी, तो शायद भारत के संविधान का उल्लंघन है ये। अगर बिल्किस महिला थी तो केवल महिला थी, वो मुस्लिम या हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। और देश के अंदर जब हम बात करते हैं, हमारे PM साहब जब लाल किले से कहते हैं कि भैया महिलाओं का सम्मान करें, उनके प्रति हमारी कुछ सोच के शब्द ऐसे बदले कि हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते उनके सम्मान में, लेकिन उसी दिन आजादी के अमृत महोत्सव में 11 दोषियों को, 11 अपराधियों को, जो गोधरा में इतना जघन्य अपराध होता है, लोगों को मारा काटा जाता है और एक गर्भवती महिला का बलात्कार करके उसकी बच्ची को भी मार दिया जाता है, उसके अपराधियों को आजादी मिल जाती है, जेल छोड़ देती है। जबकि इसी तरह के पहले जब ये कानून आया था तभी कहा गया था कि जब इनको माफी पर छोड़ा जाए तो दो तरह के अपराधियों को ना छोड़ा जाए, जघन्य अपराध हो, मर्डर हो या रेप हो, लेकिन आज मर्डर और रेप दोनों के अपराधियों को छोड़ा। आचरण अच्छा रहा है ना, इसलिए छोड़ दिया है। क्या जिस व्यक्ति, जिन लोगों ने एक गर्भवती महिला के साथ बलात्कार किया हो, आप उनके आचरण की कैसे मतलब अच्छाई की बात कर सकते हैं? ये तो एकदम सरासर ये हो गया ना कि आप काले को सफेद कह रहे हैं। जिस बंदे ने, जिन लोगों ने मिल करके, इतने सारे लोगों ने, एक गर्भवती महिला जिसकी हम केयर करते हैं ज्यादा, अगर सड़क पे आप चलती हो तो आप भी उसको पहले सीट देंगी और आप खड़ी हो जाएंगी, मैं भी दूंगी, ऐसा करूंगी, लेकिन उन बंदों ने उसको पकड़ करके उसके साथ बारी बारी से रेप किया है। उसकी 3-4 साल की बच्ची को इतना मारा गया कि वो बच्ची वहां मर गई है, और गोधरा में इस तरह के लोगों को काटा गया, उत्पात किया गया उन लोगों के माध्यम से, क्या ये अच्छा आचरण है? क्या आप इसको अच्छा आचरण कहेंगे? क्या न्यायालय इसको अच्छा आचरण मानता है? अगर ये अच्छा आचरण है तो देश में अपराध फिर कैसे नहीं होंगे? अगर न्यायालय के लिए इस तरह के अपराधी अगर अच्छा आचरण करते हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि देश के अंदर फिर बुरे लोग कौन है? फिर आप बुराई की परिभाषा क्या बची है? अब तो राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू है, दलित समाज से, यानी कि आदिवासी समाज से आती हैं, अब तो न्याय मिल ही जाएगा। वैसे भी जब द्रौपदी मुर्मू जी का शुद्धिकरण कर दिया तो अब आदिवासी नहीं, शुद्धिकरण हो गया। हाँ, वो शुद्धिकरण हो गया, बात खत्म हो गई। अब शुद्धिकरण का मतलब है कि अब उनके जैसी हो गई, उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ। ना हमारा दर्द पहुंचेगा, ना हमारी आवाज पहुंचेगी, ना हमारी आह पहुंचेगी। हाँ। हम यही तड़प कर मर जाएंगे। 5 साल रामनाथ कोविंद जी रहे, महामहिम राष्ट्रपति जी, तब हमें न्याय नहीं मिला, तो इनके रहते कैसे मिल जाएगा?
ये तो क्या कुछ करेंगे इंद्र मेघवाल के लिए, जो अब मटकी बता दी है, मटकी भी नहीं है, नल भी जो है एक ही बता दिया, एक ही से पानी पीते, क्या कुछ करेंगे? सारे सबूत वहां पर जो है अब दिखाए जा रहे हैं। देखिए वो कोशिश कर रहे हैं झूठी, और ये सच हमेशा हावी रहा है झूठ पर। झूठ भले कुछ दिन तक लगे कि मैं बहुत जीत रहा हूँ, ऊंचा हो रहा हूँ, लेकिन सच जरूर उठ कर आएगा। ये सारे लोग सच्चाई के साथ खड़े हुए हैं और देश के अंदर जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं। अगर ये न्याय नहीं मिला तो देश के अंदर इस आंदोलन को और तेज करना पड़े चाहे, लेकिन न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या नाम है मैम आपका? निर्देश सिंह। ठीक है, अभी हमने बात की निर्देशी से, किस तरीके से, जिस तरीके से वहाँ पर जो जघन्य अपराध किया गया है एक टीचर अध्यापक द्वारा, जो कि एक मार्गदर्शक होता है एक छात्रों का, सोचिए उस मार्गदर्शक के द्वारा ही एक मासूम की हत्या कर दी जाती है। सोचिए एक अध्यापक एक टीचर पर, सबसे पहले जब बच्चा माँ बोलता है उसके बाद एक शिक्षक को ही अपना दूसरा पिता और गुरु मानता है, तो सोचिए उसी गुरु द्वारा उस बच्चे की हत्या कर दी जाती है सिर्फ और सिर्फ पानी पीने के पीछे। जी हाँ, क्योंकि अछूत होने की वजह से, मटका छूने की वजह से पानी पी लिया, इसीलिए उसकी हत्या कर दी जाती है, और वो भी इतनी बेरहमी से कि इतना मारा जाता है कि वो उसकी वही टाइम पर मौके पर डेथ हो जाती है। तो इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ, मैं पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।